हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे, आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात ये है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। नेताओं की तरफ से चल रहे शब्दबाण ने चुनावी मौसम का तापमान और बढ़ा दिया है। बिहार में आज परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश ने कटिहार के डुमरियागंज से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है, लालू यादव ने सबको काम पर लगा दिया है। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दो गो बेटा को, सबको लगा कर। इधर नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला तो उधर राजद के नेताओं ने नीतीश कुमार की घेरेबंदी शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पाटलिपुत्र सीट से राजद उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो चाचा जी ने बोलना शुरू कर दिया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। आपको बता दें इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार से दो लोगों को टिकट दिया गया है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है, तो वही रोहिणी आचार्य को सारण सीट से टिकट दिया गया है, जबकि लालू यादव के दो बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही वर्तमान में विधायक हैं। अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति का कखहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने बयानों से चोट की तो पार्टी के नेता बौखला गए। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए। देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, और उनमें से ही एक आरजेडी के मुखिया लालू यादव भी हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को परिवारवाद का ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसकी हर शाखा पर उनके परिवार का सदस्य ही बैठा दिखाई देता है, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इन आरोपों से इतर लालू यादव अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते रहे। इस बार भी लोकसभा चुनाव में लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है, जिन्होंने लालू यादव को जीवन दान दिया था। बहरहाल लालू परिवार पर नीतीश कुमार के हमले ने बिहार का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है, बेशक इसका असर भी चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस तरह की सियासी बयानबाजी तो पूरे साल चलती रहती है, और फिलहाल तो चुनाव का मौसम है इसलिए और ज्यादा बढ़ गई। इस बीच बात करते हैं दूसरे चरण के प्रचार की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए और आज राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान के
प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने वाली हैं। आपको बता दें कि 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और उसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं तमाम सियासी दल और प्रधानमंत्री मोदी का जो शेड्यूल है वो काफी व्यस्त है। दूसरे दौर की तैयारियों के लिए आज जालौर और बांसवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां दोनों जगहों पर करीब 1:30 बजे आज जालौर पहुंचेंगे, शाम 4 बजे बांसवाड़ा में उनकी रैली होगी। दूसरे दिन के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं, हम आपको कार्यक्रम भी बता रहे हैं। शाम को 4:30 बजे बांसवाड़ा में, 1:30 बजे जालौर में उनकी रैली होने वाली है। 26 तारीख के मतदान की अब तैयारियां जोर पर हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक दौरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चल रहे हैं। मिशन 400 पार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रखे हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार करते नजर आ रखे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे मोदी को हटाने के लिए देश और विदेश की ताकतें एक साथ काम कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। पहला चरण संपन्न, 6 चरण बाकी। जीत का संकल्प, जोरदार प्रचार। विपक्ष पर प्रहार, मुद्दों की धार। कल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए के पक्ष में बंपर मतदान का फीडबैक मिल रहा है, अब रण दूसरे चरण का है और मुद्दों में नई धार है। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि देश विदेश की ताकतें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संसद सत्र के दौरान भी पीएम मोदी ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया था। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने अब अपनी गारंटी के पूरा होने की गारंटी देश को दी है। प्रचंड जीत का नया लक्ष्य अपनी पार्टी के लिए तय किया है और जी जान से प्रचार में जुटे हैं।